हे गाइस, वेलकम टू माय मैजिक चैनल हिंदी मैजिक ट्रिक्स। तो गाइस, आज के इस मैजिक वीडियो में मैं आपको काफ़ी कमाल की एक नोट मैजिक ट्रिक या पेपर मैजिक ट्रिक बोल सकते हो आप इसे, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो पहले इस मैजिक को हमेशा की तरह मैं करके दिखाऊंगा आपको और फिर बताऊंगा इसके पीछे का सीक्रेट, जिससे आप भी आसानी से इस मैजिक को सीख पाएंगे और सीखने के बाद अपने दोस्तों को दिखा के, अपने फैमिली मेंबर्स को दिखा के, अपने मम्मी पापा को दिखा के आप उन्हें इंप्रेस कर पाओगे। तो चलिए गाइज, मैजिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइज, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है अगर आप इस मैजिक को सीखना चाहते हो। तो चलिए गाइज, देख लेते हैं क्या है ये मैजिक ट्रिक और आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे सिंपल से तीन पेपर हैं जिन्हें मैंने अपनी नोटबुक से फाड़ा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो नज़दीक से, दोनों साइड से देख लीजिए, ये पेपर है। इसमें मनी का कहीं भी, यानी नोट्स का कहीं भी अत्ता पत्ता नहीं है। ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पे एक मैजिक मनी प्रिंटर है जिसकी मदद से मैं आपको इन पेपर्स को नोट में बदल दूंगा, यानी इस मैजिक मनी प्रिंटर से मैं छापने वाला हूं नोट। तो गाइज, आप भी ये नोट छाप सकते हैं, बस वीडियो को आपको देखना है पूरा अंत तक बिना स्किप किए। ठीक है, तो गाइज मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आपको देखना पड़ेगा अगर आप इस मैजिक को सीखना चाहते हैं। तो चलिए गाइज, मैं मैजिक स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये मैजिक मनी प्रिंटर दिखा देता हूं, यानी ये जादुई प्रिंटर है जिससे मैं नोट छापने वाला हूं। ठीक है, तो ये पेपर्स और ये है मेरा मैजिक मनी प्रिंटर, जो कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मैजिक मनी प्रिंटर के नाम पे सिर्फ तीन कलर के तीन पेपर्स हैं। ठीक है, सिंपल से पेपर्स हैं गाइस, तीन कलर के तीन पेपर्स हैं। और इसको बोलता हूँ मैं अपना मैजिक मनी प्रिंटर, क्योंकि ये क्या करता है कि पेपर्स को नोट में बदल देता है, यानी इनको छाप देता है नोट्स में। तो चलिए मैजिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ दोनों साइड से कि ये एक सिंपल सा पेपर है, इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे हाथों में भी आप चेक कर लीजिए, मेरे हाथों में भी कुछ भी नहीं है। और मैं रखता हूँ इस पेपर को यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हो, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ एनवलप को क्लोज या पेपर को क्लोज। ठीक है, अब इस पेपर को मैं कर देता हूँ इस पेपर के अंदर बंद, और इस पेपर को भी कर देता हूं मैं इस पेपर के अंदर बंद। तो अब यहां पे मैं दो राउंड घुमाऊंगा इस पेपर को, इस मैजिक मनी प्रिंटर को। ठीक है, दो राउंड कंप्लीट, अब ये मैजिक हो गया गाइस। ठीक है, तो अभी मैं खोल के देखता हूं क्या मेरा जो पेपर था वो नोट में कन्वर्ट हुआ है। चलिए देख लेते हैं। तो मैंने खोला यहां पे पेपर्स को, ओ माई गॉड, तो मेरा जो पेपर था वो 100 रुपए के नोट में कन्वर्ट हो चुका है, यानी जो पेपर था उस पे छप गया है 100 रुपए का नोट। और ये गाइस बिल्कुल ओरिजिनल है, देख सकते हो, ये बिल्कुल ओरिजिनल नोट है। तो इसको कर देता हूं मैं साइड यहां पे। अब मेरा थोड़ा सा यहां पे लालच बढ़ चुका है और अब मैं छापूंगा यहां पे 500 रुपए का नोट। ठीक है, अब 500 रुपए का नोट मैं छापने वाला हूं। तो मैं क्या करता हूं, एक बार देख लीजिए कागज को, कुछ भी नहीं इस कागज के अंदर, सिंपल सा कागज है। और इसे रख देता हूं मैं फिर से इस प्रिंटर के अंदर और इसको करता हूं मैं बंद कुछ इस तरीके से, और इसको भी कर देता हूं इस पेपर के अंदर बंद, और इस पेपर को कर देता हूं इस पेपर के अंदर बंद। तो जैसा कि आप देख सकते हो, फिर से मैंने उस पेपर को इन तीन पेपर्स के अंदर बंद कर दिया है। तो यहां पर मैं करूंगा थोड़ा सा मैजिक और प्रिंटर को घुमाऊंगा कुछ दो बार कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो प्रिंटर को भी मैंने घुमा दिया, थोड़ा घुमाने में प्रॉब्लम हो रही है, जो नीचे है वो मेरा सोफे का गद्दा है जिसलिए इससे गाइस थोड़ा सा चिपक रहा है, तीसरी बार नहीं घुमाऊंगा। तो ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या हमारा जो पेपर था वो नोट में कन्वर्ट हुआ है, यानी 500 रुपये के नोट के लिए मैं बोल रहा था। देखते हैं 500 रुपये का हुआ है या 2000 का हुआ है। तो मैंने तीनों को, ओ माय गॉड गाइस, देख सकते हो क्लियरली गाइस, ये जो पेपर था वो बन गया है 500 रुपए का नोट। है ना गाइज, कमाल का मैजिक। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना बस, अगर आपके मैजिक सीखना है, काफी कमाल का मैजिक है। जिसको भी मैंने दिखाया गाइज वो इंप्रेस हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसको भी मैं कर देता हूं साइड। अब मेरे पास बचा है लास्ट पेपर, जैसा कि आप देख सकते हो, इसे भी आप देख लो दोनों साइड से। फिर आप कमेंट्स में मुझे बोलते हो कि विजय भाई आप दोनों साइड से नहीं दिखाते हो और आपका मैजिक पकड़ में आ जाता है। तो जिसको भी ये मैजिक पकड़ में आ रहा है, प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है, तो अब मैं इस पेपर को रख देता हूं इस प्रिंटर के अंदर। ठीक है, देख सकते हो हाथों में कुछ नहीं है। अब मैं यहां पर इसे करता हूं क्लोज। ठीक है, ये लीजिए गाइज, इसको कर दिया मैंने क्लोज। अब इस पेपर के अंदर इसको क्लोज और इस पेपर के अंदर इसको मैंने कर दिया क्लोज।
तीनों पेपर के अंदर फिर से उस पेपर को मैंने जो नॉर्मल पेपर था नोटबुक से फाड़ा हुआ उसे कर दिया फिर से बंद। अब मैं फिर से यहां पे दो राउंड लगाऊंगा इस प्रिंटर के, 1, 2, और गाइज मैजिक हो गया है। ठीक है, अभी फिर से मैं खोल के दिखा देता हूं, देखते हैं हम कि वो जो पेपर था नोट में कन्वर्ट हुआ है या नहीं, यानी इस पेपर इस प्रिंटर ने हमारा नोट छापा है या नहीं। तो यहां पे मेरा लालच थोड़ा बढ़ गया है, मैंने आपको बताना भूल गया था कि मेरा लालच बढ़ चुका है और उस नोट को मैंने बनाया है 2000 का नोट। तो देखते हैं 2000 का है या 10000 का है या 500 का है। ओ माय गॉड, तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे मैजिक मनी प्रिंटर बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है और अब 2000 रुपए का नोट भी इसने छाप दिया है। तो गाइस चलिए, आपको काफी मजा आया होगा मैजिक देख के और आप शॉक हो रह गए होंगे, आप बिल्कुल अमेज हो गए होंगे गाइस कि ये मैजिक आखिर हो कैसे रहा है, ये सिंपल से 3 पेपर मैजिक मनी प्रिंटर कैसे हो सकते हैं। लेकिन गाइस ये सच है, ये मैजिक मनी प्रिंटर है और इसे मैंने खुद से डिजाइन किया है, खुद से बनाया है सिर्फ आपके लिए। और अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे आप इस प्रिंटर को, मैजिक मनी प्रिंटर को कैसे बना सकते हैं और कैसे इसके साथ मैजिक आप कर सकते हैं। तो गाइस ये सिर्फ मैजिक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप इससे नोट बना सकते हो घर में, तो प्लीज इसको मैजिक की तरह ही लेना, ये कोई मैजिक मनी प्रिंटर नहीं है। इसके पीछे छोटा सा ट्रिक है जिसे आप सीख लोगे तो गाइस आसानी से अपने दोस्तों को दिखा के इस मैजिक को आप आसानी से तालियां बटोर सकते हो और गाइस उन्हें इंप्रेस कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट और आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो गाइस आज की मैजिक ट्रिक आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि गाइस इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहे हैं। और गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी ऐसे ही मैजिक के वीडियोस देखने के लिए और मैजिक सीखने के लिए। तो गाइस इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट है काफी सिंपल, इसे करने के लिए आपको ये गिमिक बनाना पड़ेगा, गिमिक बोलो या इसको मैजिक मनी प्रिंटर बोलो, ये आपको बनाना पड़ेगा। गाइस अभी आपको सिर्फ 3 पेपर्स दिखाई दे रहे होंगे, तो इसे करने के लिए हमें अलग अलग कलर के 3 पेपर्स लेने होंगे जिससे आदमी को जो भी सामने मैजिक देख रहा है उसे इजिली पता चल सके कि आप क्या कर रहे हो। और आपको चाहिए 3 नोट, आप कोई भी नोट ले सकते हो, मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग नोट्स लिए थे इस मैजिक को करने के लिए। तो चलिए गाइस अभी आपको मैं सीक्रेट बता देता हूँ कि क्या है इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट, लेकिन उससे पहले मैं आपको गाइस बोलूंगा इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि गाइस ये मैजिक काफी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपने छोटा सा भी पार्ट मिस किया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मैंने क्या किया था यहां पे, ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने 2 पेपर लिए देख सकते हो और दोनों में इस तरह से फोल्ड होते हैं गाइस दोनों साइड से देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे मुझे 2 पेपर बनाने हैं, मतलब आपको बनाने, मैंने तो बना ही लिए यहां पर, देखिए 2 एक ही कलर के ऐसे लिफाफे बनाने हैं जिसमें दोनों साइड में पॉकेट हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये दोनों ही लिफाफे, या आप कह लीजिए पेपर या कह लीजिए आप कवर, कुछ भी आप बोल सकते हैं, मैं तो इनको लिफाफे बोल रहा हूँ फिलहाल। तो एक आपको अलग कलर का ऐसा बनाना है, ठीक है, सेम वही है बट एक बनाना है आपको। ठीक है, समझ गए गाइस यहाँ तक। अब इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा पेपर है। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है, आप देख सकते हो। अगर गाइज आपको ये मैजिक मनी प्रिंटर बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं फिर आपको एक डिटेल वीडियो बना के ये समझा दूंगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आप सेटअप करना है आपको, अब आप मैजिक के लिए तैयार हो, जब आप ये लिफाफे बना लोगे तो आप मैजिक के लिए तैयार हो जाएंगे। बट गाइज अब सेटअप कैसे करना है और इसके साथ में मैजिक कैसे करना है ये आपको समझ में नहीं आएगा जब तक ये वीडियो पूरा नहीं देखोगे। तो चलिए अभी आपको बता देता हूं कि कैसे मैजिक को सेटअप करते हैं मैजिक करने से पहले और कैसे हम मैजिक को दिखा के आपके दोस्तों को इंप्रेस किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। तो यहां पे जो बड़ा पेपर है उसके ऊपर हम रखेंगे ग्रीन वाले पेपर को, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों साइड में पॉकेट है, ठीक है, तो एक पॉकेट पीछे रहेगी और एक सामने इसमें ग्रीन पेपर रहेगा। तो अब हमें क्या करना है कि ग्रीन पेपर के अंदर हमें रखना है एक साइड में येलो पेपर वाला, येलो वाला लिफाफा, ठीक है, और इसके अंदर हमें पहले डालने हैं एक 2000 रुपये का नोट और एक डालना है हमने पीछे के पॉकेट में 500 रुपये का नोट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हम इसको कर देंगे बंद और दूसरी साइड खोलेंगे, पिछले वाले पॉकेट में चला गया गाइस ये वाला लिफाफा और इसके अंदर दूसरा येलो वाला लिफाफा हम यहाँ पे डाल लेंगे कुछ इस तरीके से और इसको खोल के यहाँ पे डालेंगे 100 रुपये का नोट, ठीक है, और इसको कर देंगे बंद। अब दूसरी साइड घुमाएंगे इसे और यहाँ पे डाल देंगे हम, कुछ नहीं डालेंगे, मैजिक के लिए रेडी हो चुके हैं। ठीक है,
तो अब आपको पता चल रहा होगा सिर्फ ये 3 पेपर हैं, बट इसमें गाइड सीक्रेट क्या है कि एक पीछे पॉकेट है जिसमें नोट्स भरे हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैजिक कैसे करते हैं, अब इस तरह से कुछ हम मैजिक के लिए रेडी हो जाते हैं तीनों पेपर्स को बंद करके कुछ इस तरीके से, और हम ऑडियंस को दिखाते हैं कि देखिए मेरे पास यहाँ पे सिंपल से 3 पेपर है और दोनों साइड से आप इन्हें दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम दिखाते हैं इन पेपर्स को खोल के कि देखिए हमारे मैजिक मनी प्रिंटर है और हमने इसे खुद से डिजाइन किया है, तो आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और अब पेपर को दिखाएंगे कुछ ऐसे और यहाँ पे इसको बंद करेंगे, फिर इसको बंद करेंगे, फिर इसको बंद करेंगे। अब गाइज इसमें बंद करने से पहले क्या है, एक सीक्रेट है, आपको इसे ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे घुमाना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, ताकि जो पेपर की जगह है वो नोट आ जाए आगे, ठीक है। तो कुछ बंद करते समय हम ऐसे करके ऐसे बंद कर देते हैं, ठीक है। और इसको फिर ऐसे बंद नहीं करना है, इसको सिर्फ ऐसे बंद करके दो बार घुमा दीजिए या आवरा का डाबरा बोल दीजिए, इसके बाद इसे खोल के आप दिखा सकते हैं कि देखिए जो हमारा पेपर था वो 100 रुपये के नोट में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे दूसरा, दोबारा से जब हम मैजिक करते हैं, दूसरा नोट बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस नोट को निकाल लेते हैं, ठीक है, और इसकी जगह रख देते हैं दूसरा पेपर, ऐसे दिखाते हैं कि देखिए अभी इस पेपर को मैं दूसरे नोट में एक और कन्वर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। इसको ऐसे बंद करके इसको कुछ इस तरीके से ऐसे बंद करते हैं, ठीक है, इसको भी बंद करते हैं, फिर ऐसे ग्रीन वाले पेपर को पलट के ऐसे बंद करते हैं ताकि जो नोट्स हैं वो ऊपर आ जाए। फिर हम इस पर दो बार घुमाते हैं ऐसे, ठीक है, और घुमाने के बाद फिर इसको जब खोलते हैं तो इसके अंदर गाइस ये 500 रुपये का नोट आ जाता है, ठीक है। फिर इसको हम बंद कर, इसको निकाल के रख देते हैं और हम बोलते हैं कि हमारा लालच अब बढ़ चुका है तो अभी मैं ऐसे बनाऊंगा 2000 रुपये का नोट, तो कुछ इस तरीके से रख देता हूँ दिखाने के बाद, और इसको बंद करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। बंद करने के बाद इसको गाइस कुछ इस तरीके से पलटना है, ठीक है, ताकि हमारा जो नोट है 2000 का वो ऊपर आ जाए, क्योंकि वो यहाँ पे है, ठीक है, और कागज चला गया नीचे। अब इसको कर दिया हमने बंद और फिर से हमने वही दो बार इसे घुमाया कुछ इस तरीके से और आवरा का डाबरा मैजिक हो गया। और जब हम इसे खोल के दिखाते हैं तो गाइज हमारा जो लास्ट पेपर था वो भी 2000 रुपये के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइज आपको मैं गारंटी देता हूँ 100% गाइज आप एक बार में इसे नहीं समझ पाओगे, 2 से 3 बार आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके आप इसे कर पाओगे इस मैजिक को। तो गाइज आई होप आपको ये मैजिक अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं।